घोड़ा है तिनका। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखकर भेजा है, गुरुजी 5 दिन से शिव पुराण चल रही है और कुछ दिन पहले से यहाँ ये टेंट लगना प्रारंभ हो गया था और शिवजी की कृपा, उदारता, दया, गुरुदेव बड़ी गजब है कि 5 दिन से इस टेंट में आपके पंडाल के व्यासपीठ के ठीक ऊपर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों ने घोंसला बनाकर 5 दिन पहले ही घोंसला बना लिया था और 5 दिन से रोज कथा सुन रहे हैं, आज भी बैठे, वो बैठे ऊपर बैठे, आज भी वो चिड़ा और चिड़ी 5 दिन से लगातार स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने और लगातार वो कथा सुनते रहे। गुरुजी जब कथा में चिड़ा और चिड़िया भी शिव और पार्वती बनकर कथा सुनते हैं तो संसार का मनुष्य भी उसके पत्र दिया, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। 5 दिन में उसने घोंसला बना लिया, उसी में रह रहा, दोनों कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे और अपने जीवन का आनंद। सुनो, ये शिव महापुराण की कथा है, सुनो। जरा सी माइक की ध्वनि होती है, डीजे बजता है तो जमीन हिल जाती, मकान हिल जाते और चिड़ा चिड़िया भाग जाते हैं, पर 5 दिन से लगातार भजन भी हो रहे, ढोल भी बज रहे, नगाड़े भी बज रहे, कीर्तन भी बज रहा, तो भी उनका निवास ये शिव और पार्वती का स्वरूप आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है, ये शिव कथा। शंभु शरण।